नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ G20 पार्क। इस पार्क का निर्माण G20 सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए किया गया है। यह पार्क वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम के साथ तैयार किया गया है। इस पार्क में G20 सम्मेलन में शामिल सभी देशों को दर्शाया गया है और साथ ही साथ इस पार्क में उन देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षियों को भी दर्शाया गया है। आज दोस्तों मैं आपको ये पूरा पार्क घुमाने वाला हूँ। पार्क की क्या टाइमिंग है, यहाँ आप कैसे पहुँचें, कौन सा नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों G20 पार्क दिल्ली के VIP एरिया चाणक्यापुरी जगह में कौटिल्य मार्ग पर स्थित है और नॉर्वे एम्बेसी के बिल्कुल पास में ही G20 पार्क बनाया गया है। यहाँ पर आप दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं ये G20 पार्क का मेन गेट है। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप मेट्रो से भी पहुँच सकते हैं। इस पार्क के नज़दीकी लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन है। लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से इस पार्क की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर से दिल्ली के लोकल ऑटो मिल जाएंगे जो आपसे 50 रुपये लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आपको यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। जब आप इस पार्क में एंट्री करोगे दोस्तों सबसे पहले आपको ये खूबसूरत सा फव्वारा देखने को मिलेगा। ये पार्क NDMC और ललित कला एकेडमी द्वारा तैयार किया गया है। यह पार्क प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। ये देखिए सामने अपने देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर बना रखा है। दोस्तों ये मोर वेस्टेड सामानों से बनाया गया है, जैसे लोहे के टुकड़े, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के ख़राब पार्ट्स को लगाकर दोस्तों ये मोर बनाया गया है। गाड़ियों के ख़राब पार्ट्स, लोहे के टुकड़े जो फेंक दिया जाता है, उन्हीं कबाड़ों से दोस्तों यहाँ पर सभी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के अलावा इस पार्क में G20 में शामिल उन देशों के भी राष्ट्रीय पशु पक्षियों को यहाँ पर दिखाया गया है और उन देशों के नाम भी लिखे हुए हैं ताकि यहाँ पर आए लोग आसानी से पढ़ सकें और जान सकें कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय पक्षी या पशु है। सामने आप ये ड्रैगन देख रहे हैं दोस्तों इसका नाम कोमोडो ड्रैगन है। ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ड्रैगन को गाड़ियों के ख़राब टुकड़े, लोहे के टुकड़ों से बनाया गया है। आइए अब आगे देखते हैं आगे कौन सा देश का राष्ट्रीय पक्षी बना हुआ है। इस पार्क में उन 22 देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी बनाए गए हैं जो G20 में शामिल हैं। यह फ्रांस का गेलिक मुर्गा है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आइए आगे देखते हैं और क्या है। ये दोस्तों पूमा अर्जेंटीना का यह राष्ट्रीय पशु है। ये देखिए गाड़ियों के ख़राब पार्ट्स और लोहे के टुकड़ों से कितना प्यारा पूमा बना रखा है। आगे दिखाते हैं और क्या है दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये दोस्तों रूस का भूरा भालू है। दोस्तों ये कनाडा का राष्ट्रीय पशु बीवर है। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है। सामने आप देख रहे हो दोस्तों ये लॉयन है। ये दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस लॉयन को लोहे के सरियों के साथ बनाया गया है। ये देखिए कितनी प्यारी चिड़िया बना रखी है। देखते हैं कौन से देश का राष्ट्रीय पक्षी है ये। दोस्तों ये दक्षिण कोरिया का कोरियाई मैगपाई पक्षी है। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये बाज है, जर्मनी का राष्ट्रीय पक्षी है ये। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों, ये कंगारू है, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। इन राष्ट्रीय पशु पक्षियों के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हरियाली भी देखने को मिलेगी। ये देखिए सामने ये जगुआर बना रखा है दोस्तों। जगुआर दोस्तों ब्राज़ील का राष्ट्रीय पशु है।
क्या लिखा है यहाँ पे, स्प्रिंग बॉक। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये गोल्डन बाज है, ये मैक्सिको का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों ये सामने देख रहे हैं, ये सारस है दोस्तों, लाल मुकुट सारस, चीन का राष्ट्रीय पक्षी है। ये जापान का राष्ट्रीय पक्षी है, हरा तीतर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर स्कल्पचर्स को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एनिमल है, अमेरिकी बाइसन। सामने आप ये ऊंट देख रहे हैं, ये सऊदी अरब का राष्ट्रीय एनिमल है। यह टर्की का राष्ट्रीय पक्षी है, रेड विंग। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सामने, यहाँ पर इटली के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बताया गया है। इटली का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों गोरैया। आप देख सकते हैं पेड़ पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर आप कभी भी आएँ, आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आइएगा। यहाँ पर आपके बच्चों को और आपको G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं और उनके राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन से हैं, इस पार्क में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों इस पार्क के पास और भी जगह हैं घूमने के लिए, नेशनल पुलिस म्यूजियम, प्रधानमंत्री म्यूजियम, जो इस पार्क से आधा किलोमीटर एक किलोमीटर के दायरे में ही हैं। उन पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।